सामने कोट है, टू नो गॉड यू शुड नो योर सेल्फ फर्स्ट। ये बात तो बिल्कुल सही है। सो अभी हम हैं नड्डी में एंड अभी चलेंगे, एक छोटा सा ट्रैक है 2-3 आवर्स का है एंड आपको भी बताएंगे अगर आप नड्डी आ रहे हो धर्मशाला में नड्डी में घूमने। एक तो त्रिवण ट्रैक है एंड ये भी काफ़ी अच्छा ट्रैक है अगर आप फैमिली के साथ जाते हो, और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इस ट्रैक के बारे में। सो आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लो। ट्रैक स्टार्ट होता है नड्डी से, यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, आपको बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे छोटा सा ये रास्ता है, यहाँ तक गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, इससे आगे फिर नैरो रोड स्टार्ट हो जाएगा। एंड मैं और मेरे साथ ये डंडा है, शायद थोड़ा मोटा रखना चाहिए मुझे क्योंकि यहाँ पे भालू वगैरह भी होते हैं, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे थे कि थोड़ा संभल के जाना क्योंकि ऐसे जंगलों में होते हैं और रात को तो आते ही आते हैं। चलो एक अच्छी बात है, यहाँ पे अगर आप कुछ लेके नहीं आते हो नड्डी से तो यहाँ पे कैफे है, कैफे जो है यहाँ से राइट टर्न लेना होता है एंड अब थोड़ा सा चढ़ाई ज़्यादा है, असली इम्तिहान अब शुरू होगा। अब हाँ जी अंकल जी, मंदिर कितनी दूर है? प्लेन ही है ना, अच्छा ठीक है ओके। और अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आप धर्मशाला पहुंचो, वहां से आओ नड्डी, वहां से ट्रैक स्टार्ट होता है गुना मंदिर, तो ये सबसे बढ़िया है अगर फैमिली के साथ भी इस ट्रैक को पूरा करना चाहते हो। तो अगर आप घूमने आ रहे हो यहाँ इस तरफ तो इस ट्रैक को भी कर लो यार, काफ़ी अच्छी जगह है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके, अच्छा लग रहा है एकदम शांति। तो इसी चीज़ के लिए तो हर कोई ऐसी जगह प्रेफर करता है। अगर आप आना चाहते हो तो इस वीडियो के थ्रू आप भी यहाँ पे पहुँच सकते हो, एक बढ़िया लोकेशन है एंड आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन में यहाँ पे स्टे का भी जुगाड़ है, तो आप तो जरूर आओ। यहाँ से थोड़ा सा लैंडस्लाइड भी हुआ और मौसम कितना मस्ताना है आज। रास्ता कुछ ऐसा है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं तो क्योंकि यहाँ पे टेंपल है, तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं ऐसी जगह कि टेंपल भी और इतनी अच्छी वादियाँ, एंड जब स्नोफॉल होता है इधर तो सारा कवर्ड होता है, तब भी काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था तब भी आया था मैं, यहाँ पे स्नो गिर रही थी, बहुत मज़ा आया, लेकिन तब हमारे पास इतना अच्छा फ़ोन नहीं होता था। ये मंदिर का दूसरा पड़ाव, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर एंड हम आए थे 10:40 पे और 11:50 पे यहाँ पे पहुंच गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। ये एंड ये अकोमोडेशन है, अगर आप आते हो, 8 साल पहले आया था मैं पिकनिक, स्कूल पिकनिक में।
पे आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा ये पिकनिक स्पॉट भी है एंड आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो यहाँ का वेदर। जब स्नोफॉल होती है तब तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। ये साथ में पहाड़ है, जब यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है तो ये सारा कवर्ड होता है स्नो से। तो ये आज का ब्लॉग था गाइज, और डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगा होगा एंड काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आ सकते हैं और रह भी सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं।